अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको तवारी की रेसिपी बताती हूँ जो गुलबर्गा की बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको उसके पहले रेसिपी बताती हूँ उसके बारे में। इसके लिए चाहिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, 1 किलो मटन, टमाटर, कोथमीर, हरी मिर्च, प्याज, कलर ज़ाफ़रानी कलर, कस्तूरी मेथी, ऑयल और चावल इधर भिगा के रखी थी आधा घंटा पहले, और लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक अपने हिसाब से और हल्दी, और यह है मीट मसाला। तो शुरू करते हैं हम अपनी तहारी की रेसिपी। पहले मैं हम अपने गोश्त को ये गला लेंगे। उसके लिए मैंने कुकर में डाल दिया है गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने 1.5 चम्मच लिया है, और नमक और हल्दी। इन तीनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेके इसको मैं मिक्स करके गैस ऑन करके इसको मैं गलने के लिए रखती हूँ। गोश्त गलने के 5 या 10 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा आके मिलती हूँ। तो ये मैंने गोश्त को गरम कर लिया है, इसका थोड़ा पानी छूटे हुआ है, तो गैस ऑन बढ़ा के इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे, या फिर आप पानी भी रहने दे सकते हैं। इसमें मैं ऐड करती हूँ ऑयल, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, और अब ऐड करती हूँ मटन मसाला जो मैंने थोड़ा सा लिया था बिल्कुल, और 4 चम्मचे लाल मिर्ची गोश्त के अंदर मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ गैस बढ़ा के। फिर मैं ऐड करती हूँ टमाटो जो मैंने लिया है 1/2 kg। ये मैंने टमाटे कुकर में डाल दिए हैं। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके टमाटे कलर तक 2 से 3 सीटी ले लेंगे। तो मैंने 4 सीटियाँ ले ली थी टमाटर गोश्त सब कुछ मिक्स करके गलाने के लिए। सो मेरे टमाटर गोश्त सब कुछ गल चुका है। अब नेक्स्ट इसको इधर साइड बघार देना है। वो कैसे देते हैं मैं बताती हूँ। ये मैंने ये बड़ा भगोना लिया है, उसमें मैं अपने हिसाब से तेल डाली हूँ। उसमें तेल गरम होते ही थोड़ा सा किसी कदर गरम मसाला पीसे हुआ गरम मसाला डाल दिया है। उसमें मैं अब डालूँगी कटी हुई प्याज, ये देखें प्याज को मैं थोड़ी सी लाइट ब्राउन कर रही हूँ। इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन, मगर उससे पहले थोड़ा सा पकना चाहिए अभी प्याज को। और इधर मैंने बघार रही हूँ तहारी को, और इधर मैंने थोड़ा सा और गलने के लिए इसको दूसरे चूल्हे पे रखी हुई हूँ पानी सूखे तक। ये देखें प्याज का इस तरीके से कलर आना चाहिए। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी ये चमचे से अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें प्याज को मैंने इस तरीके से बना लिया है, अदरक लहसुन डाल दिया है, और इसमें मैं ऐड करूंगी
कोथमीर, हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, ये प्याज को हम और थोड़ा सा लाइट ब्राउन करने रखे हुए हैं। तब तक हम अपना इधर से गोश्त देख लेते हैं। गोश्त का थोड़ा सा पानी छूट के इसमें ऑयल हो गया सो है। इसको मैं गोश्त को इधर भगोने में पलटा देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से हमारा बगार रेडी है तहारी का। देखें, देखें अभी हमारा बगार रेडी हो रहा है तहारी का। अब मैं इधर तरफ से इस गैस को ऑफ कर देती हूँ और ये वाला जो गोश्त हमने रेडी किया हुआ था तहारी का, इसको मैं ये बड़े भगोने में पलटा देती हूँ इस तरीके से। ये देखें बगार का कितना टेस्टी दिख रहा है इस तरीके। इस तरीके से इसको 1-5 मिनट तक भुनना चाहिए अच्छे से, तभी तहारी का टेस्ट अच्छा आता है। ये देखें, इसको मैं अच्छे से भुन लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फूड कलर, ज़ाफ़रान कलर जो मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया था। देखें फूड कलर डालने के बाद, अच्छे से भूनने के बाद ऐसा कलर आ गया सो है। इस तरीके से कलर आ गया सर। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ लेमन जूस जो मैंने 2 लिए थे, और थोड़ा सा मिलाती हूँ इसमें, थोड़ा ऐड करती हूँ कस्तूरी मेथी। उसके बाद मैं ऐड करती हूँ 1 जग फुल पानी। चावल 1 kg था तो मैंने ऐड किया हुआ 1 जग फुल, साथ में 2 गिलास और नमक अपने हिसाब से डालती हूँ। आपको जितना चाहिए आप उतना टेस्ट के हिसाब से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं नमक। अब इसमें आधा नहाने के बाद हम चावल ऐड करते हैं। ये देखें इसमें आधा नहा चुका है और मैं थोड़ा गैस को कम कर देती हूँ। कम करके मैं इसमें चावल डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। गैस मैंने बढ़ा दिया है, चावल ऐड करे तब मैंने गैस को कम कर दिया था, अब मैंने गैस को बढ़ा दिया है। मैं सारे के सारे चावल इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ये देखिए मैंने सारा चावल ऐड कर लिया है। एक बार मैं इसमें मिला लूँगी और इसको पकने के लिए इसके ऊपर ढक्कन ढाँप दूंगा। मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। देखें मैं, ये देखें इस तरीके से तहारी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पक रही है और इसमें पानी है तो मैं इसको बढ़ा के पका रही हूँ हम फिर और थोड़ी। ये देखें इस तरीके से हमारी तहारी पक रही है। इसको हम पानी सुखाने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे, वो दोबारा फिर से वीडियो में बताती हूँ। ये देखें इस तरीके से पानी पूरा सा पानी चावल और पक गया सो है तहारी, सॉरी तहारी पानी पूरा सूख गया सो है। अब इसको मैं अच्छे से इस तरीके से रख के पानी इस तरीके से सारा पानी सूख चुका है
मैं इसको फैला के रख के मिक्स रख के थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालूंगी और थोड़ा सा कोथमीर डालूंगी और गैस को कम करके मैं 10 से 15 मिनट दम के लिए रख दी हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहारी बन के रेडी हो गई है, दम हो गई है। इसको आप दही के साथ खा सकते हैं, पाए के साथ खा सकते हैं। हमारी तहारी बन के तैयार हो चुकी है, इसको मैं अब सर्व कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी हुई है, खुशबू तो बेहतरीन आ रही है। ये देखें, आप इसे चाहें तो तहारी से पाए से लें या फिर दही की चटनी से, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप ट्राई कीजिए हमारी गुलबर्गा की तहारी। लाफेस।